प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा नवी की NCERT की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय पर बात करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम सबसे पहले वाइमर गणराज्य के जन्म पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। यह कहानी एक 11 वर्षीय जर्मन लड़के की कहानी है जिसका नाम हेलमुट था और कहानी का समय 1945 के आसपास का है। 1945 का समय, यह वही समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन हेलमुट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसे अपने माता पिता की कुछ धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट ने उस बातचीत को सुनने का प्रयास किया। उसे सुनाई दिया कि उसके माता पिता किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। हेलमुट के पिताजी एक जाने माने चिकित्सक थे। वे अपनी पत्नी से कह रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। 11 वर्षीय बालक हेलमुट उनकी इस बातचीत को समझ नहीं सका। अगले दिन हेलमुट के पिताजी उसे बगीचे में घुमाने ले गए और दोनों ने वहां पर खेल कूद में अपना समय व्यतीत किया। यह शायद आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिताजी के साथ बगीचे में गया था, क्योंकि कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में अपने आप को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण आज भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ उसके साथ घटित हुआ था उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वह अपने घर में भोजन का एक कौर भी नहीं खा पाया, क्योंकि उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर देकर न मार दे। हेलमुट को शायद यह समझ नहीं आया था कि हकीकत क्या थी। उसके पिता नाथसी थे। यहाँ आपके सामने एक नया शब्द नाथसी आया है। नाथसी जर्मन भाषा का शब्द है जो कि नाथसी योणाल के प्रारंभिक अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। नाथसी योणाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के समर्थक या इस पार्टी को मानने वाले लोग नाथसी कहे जाते थे। आप में से कई बच्चे नाथसी और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता भी होगा कि हिटलर जर्मनी का शासक था और जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाथसीवाद सिर्फ इन घटनाओं का नाम ही नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की और वे किन चीजों से डरकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। प्रारंभ में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में एक गुट में शामिल थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें जापान, जर्मनी और इटली सम्मिलित थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे। लेकिन 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
इस समय जर्मनी का शासक हिटलर था। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि लड़ाई की समाप्ति के पश्चात उन लोगों का क्या हाल होने वाला है। युद्ध समाप्त होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इस अदालत ने शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों एवं युद्ध अपराधों के लिए नाथसी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े किए गए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जर्मनी ने युद्ध के दौरान ऐसा कौन सा व्यवहार किया जिसके कारण उसके कृत्यों की निंदा की गई। तो आइए हम उन कृत्यों को समझने का प्रयास करते हैं। हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने जनसंहार आरंभ कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी तथा 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी ही बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। युद्ध के बाद बनाई गई सैनिक अदालत ने केवल 11 मुख्य नाथसियों को ही मौत की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाथसियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी, क्योंकि मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जैसा कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी को इस युद्ध का उत्तरदायी माना गया और उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उस अनुभव और व्यवहार के कारण ही वहां पर नाथसी विचारधारा का उदय हुआ। यहां पर फिर से आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और किन परिस्थितियों में जर्मनी में नाथसी विचारधारा का जन्म हुआ। तो आइए इन सबको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। जैसा कि हमने पहले देखा था कि 1914 में यूरोप के दो गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जो कि 1918 तक लड़ा गया, जिसमें एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति के रूप में थे, जबकि दूसरे खेमे में या दूसरे गुट में फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इस युद्ध में विश्व की सभी बड़ी शक्तियों ने यह सोचकर युद्ध में भाग लिया था कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी और सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। किसी को अपने साम्राज्य विस्तार की संभावना दिखाई दे रही थी तो किसी को उपनिवेशिक लाभ प्राप्त होने की। युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल हो गया तो इस खेमे की शक्ति बढ़ गई और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों, जिन्हें की धुरी राष्ट्र कहा जाता है, को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और वहां के सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराया। इसी तारतम्य में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जिसे कि
राइक स्टॉक कहा जाता है, के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, अर्थात वहां पर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। साथ ही सभी नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से, मतलब कि सभी को समान रूप से मत देने के अधिकार को प्रदान किया गया। इस तरह जर्मनी में एक नया गणराज्य स्थापित हुआ जिसे वाइमर गणराज्य कहा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे गणराज्य का मतलब होता है कि उस देश का शासक प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो। इस तरह जर्मनी में नया गणराज्य बना जिसका नाम वाइमर गणराज्य था। लेकिन जर्मनी के बहुत सारे लोग इस गणराज्य को पसंद नहीं करते थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी। युद्ध के पश्चात जर्मनी की मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय नामक स्थान पर एक शांति संधि हुई। यह शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने बहुत सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% की आबादी, 13% का भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियानिया के हवाले करने पड़े। साथ ही जर्मनी की शक्ति को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया गया और इस जिम्मेदारी के बदले में जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया। जर्मनी के निवासियों ने इस अपमानजनक पराजय और संधि के लिए वाइमर गणराज्य को ही उत्तरदायी ठहराया। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे यूरोपीय महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर ही तोड़कर रख दिया था, जो यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। हालांकि पुराने जर्मन साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था, इस गणराज्य को युद्ध में मिली पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। साथ ही हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट के इस समय में वाइमर गणतंत्र के विरोधी, जिनमें समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट प्रमुख थे, इन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाकर वाइमर गणराज्य की शासन व्यवस्था को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए एकत्र होने लगे। यद्यपि वाइमर गणराज्य ने इनके विद्रोह को कुचल दिया, फिर भी इन स्पार्टकीटो, जिसका अर्थ होता है विरोधियों, ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। आर्थिक संकट के इस समय में रेडिकलवादी विचारों को भी बल मिला। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध की समाप्ति के पश्चात उसे हर्जाने के रूप में एक बड़ी राशि मित्र राष्ट्रों को देनी पड़ी थी। जर्मनी को यह हर्जाना स्वर्ण मुद्रा के रूप में भरना पड़ा। स्वर्ण मुद्रा को बुलियन कहा जाता था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए और अंततः 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके बदले में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके, जिसे कि रूर कहा जाता था, पर कब्जा कर लिया। रूर प्रदेश जर्मनी का प्रमुख कोयला भंडार क्षेत्र था। युद्ध हर्जाने के रूप में अब फ्रांस ने जर्मनी के रूर प्रदेश को अपने नियंत्रण में ले लिया। जर्मनी ने फ्रांस के विरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा और जरूरत की वस्तुएं महंगी हो गई। हमारी पाठ्य पुस्तक में हमें एक रेखाचित्र दिखाया जा रहा है जिसमें जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जा रहा है।
इस रेखाचित्र से हम समझ सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य कितने अधिक गिर चुके थे और महंगाई अत्यधिक बढ़ चुकी थी। जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इसे अति मुद्रा स्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस अति मुद्रा स्फीति के संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसे डॉव्स योजना कहा जाता है। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। इस तरह सन 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही और इस स्थिरता के पीछे अमेरिका का सहयोग था, क्योंकि जर्मनी में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका द्वारा किया गया था। लेकिन जब 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही मदद रातों रात बंद हो गई। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि उत्पादन ठप हो गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इस तरह आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य के संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक संकट जर्मनी में तानाशाही की संभावना को जन्म दे रहे थे। हालांकि वाइमर गणराज्य ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि यह व्यवस्था उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। इस तरह अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का मार्ग साफ कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 18 तक के लड़ा गया था, और इस युद्ध में 2 गुटों ने प्रमुख रूप से भाग लिया था, जिसमें पहला गुट मित्र शक्तियों का था और दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियों का था। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की प्रमुख देश थे। प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। युद्ध के अंत में जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी पर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तों को थोपा। इस संधि के द्वारा युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना जर्मनी पर लगाया गया। साथ ही युद्ध में हुई क्षति के लिए केवल जर्मनी को ही जिम्मेदार माना गया, और साथ ही जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया ताकि जर्मनी की सैनिक शक्ति को कुचला जा सके। इसके अतिरिक्त जर्मनी के सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वहां के सम्राट के पद त्याग के बाद वहां पर एक नया गणराज्य जिसे कि वाइमर कहा जाता था उसका उदय हुआ। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी के वाइमर गणराज्य को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए हम उन समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साई की संधि के द्वारा थोपे गए हर्जाने की अदायगी के कारण वाइमर गणराज्य को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। वाइमर गणराज्य का नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। जर्मनी को अति मुद्रा स्फीति का सामना करना पड़ा। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं या मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत जर्मनी की पराजय के साथ हुआ और उसे वर्साई की अपमानजनक संधि का सामना करना पड़ा। युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही जर्मनी के सम्राट ने पद त्याग कर दिया और जर्मनी में एक नए गणराज्य जिसे कि वाइमर कहा जाता है का जन्म हुआ। लेकिन इस नवनिर्मित गणराज्य को भी
वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वर्साई की संधि के द्वारा युद्ध का सारा हर्जाना जर्मनी से वसूल किया जाना तय किया गया। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही था, साथ ही हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी यह साम्राज्य अपंग हो चुका था। जैसा कि हमने देखा कि जर्मनी ने कर्ज लेकर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा। इस कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इसके साथ ही 1929 से 1932 तक की महामंदी के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जर्मनी में उत्पादन ठप्प हो गया, महंगाई बढ़ गई, अपराध भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी बढ़ने लगी। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। वाइमर गणतंत्र के संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक संकट जर्मनी में तानाशाही की संभावनाओं को जन्म दे रहे थे, और इन सभी संकटों ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का मार्ग साफ कर दिया। जर्मनी की जनता हिटलर के रूप में एक ऐसा मसीहा देखने लगी थी जो उनके सारे संकटों को दूर कर सकता था। हिटलर के उदय को हम अगली कक्षा में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस अध्याय के एक अंक वाले उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम 3 अंक और 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। तो आइए पहले हम 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश धुरी शक्ति समूह का देश है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसमें से धुरी शक्ति वाला देश जर्मनी है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मित्र देश थे। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? विकल्प ए वर्साई की संधि, बी कस्तुंतुनिया की संधि, सी म्यूनिक समझौता और डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने विस्तार से समझा था कि 1919 की वर्साई की संधि की शर्तों के द्वारा जर्मनी पर बहुत ज़्यादा युद्ध हर्जाना लगा दिया गया था और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था, और इसी अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं हिटलर ने नेतृत्व संभाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्साई की संधि। प्रश्न तीसरा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी इटली। इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार थी? विकल्प ए वाइमर गणराज्य, बी ब्रूवो, सी राजशाही और डी स्टुअर्ट। तो इसका सही उत्तर है ए वाइमर गणराज्य, क्योंकि हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी का सम्राट गद्दी छोड़कर भाग गया था और वहां पर एक नई सरकार बनी थी जो कि वाइमर गणराज्य के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए 1929, बी 1920, सी 1919 और डी 1905। इसका सही उत्तर विकल्प ए 1929 है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की संसद को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, जर्मनी की संसद को राइक स्टेक कहा जाता है। प्रश्न अगला है 7वां, द्वितीय विश्व युद्ध में रिक्त स्थान ने जापान पर परमाणु बम गिराए? इसका सही उत्तर आएगा अमेरिका। 8वां प्रश्न है, हिटलर की गुप्तचर पुलिस का नाम रिक्त स्थान था? आप सभी को याद होगा कि हिटलर ने पूरे समाज को नाथियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के विशेष दस्ते या टीम गठित की थी। इसमें गेस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, अतः यहाँ पर गेस्तापो सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, रिक्त स्थान में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना? तो इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर रिक्त स्थान तक चला। जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला,
तो यहाँ पर 1945 लिखा जाएगा। 11वां प्रश्न है, युंग फोक क्या था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाथसी युवा संगठन युंग फोक कहलाता था। अगला प्रश्न है, सर्वहाराकरण किसे कहते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि आर्थिक मंदी के दौरान हमने देखा था कि जर्मनी के मध्य वर्ग के जो लोग थे वे बहुत अधिक गरीब हो गए थे और उन्हें सर्वहाराकरण का भय था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्र के किसी एक देश का नाम लिखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस मित्र शक्तियां थीं या मित्र राष्ट्र थे। तो यहाँ पर हमें किसी एक देश का नाम लिखना है। आप अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस में से किसी भी एक देश का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रिटेन का नाम लिखा है। अगला प्रश्न, नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है। वाइमर गणराज्य के जो पक्षधर लोग थे उन्हें नवंबर के अपराधी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, जर्मन समाजवादी, कैथोलिक एवं डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, इन्हें नवंबर का अपराधी कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। इसका उत्तर आएगा राइनलैंड। एक अंक वाले प्रश्नों के पश्चात आपके लिए अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, वर्सायलेस की संधि की प्रमुख शर्तों को लिखिए। अगला, मित्र राष्ट्रों एवं दूरी राष्ट्रों के नाम लिखिए। तीसरा, सर्वहराकरण का अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न, नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है बताइए। अगला प्रश्न, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी लिखिए।